नमस्कार बच्चों, आओ हम प्रथम कक्षा में अगला अध्याय अध्याय 7 कितने मेरी मुट्ठी में ये पढ़ते हैं। आपने ये मुट्ठियों वाला खेल खेलना है, अपनी मुट्ठियों में कंकड़ रखने हैं और कंकड़ के माध्यम से जोड़ने व घटाने की क्रियाएं करनी हैं। इस प्रकार से आप मुट्ठी में कंकड़ रखेंगे और कंकड़ों के माध्यम से आप ये खेल खेलेंगे। चलो हम इससे आगे शुरू करते हैं। ये देखो ये कितनी कारें हैं, 1 2 3 4 5, ये लिखा भी हुआ है 5 में से 2 गई। ये देखो दो कारें चली गई ना, दूर चली गई दो, तो यहाँ पर कितनी बच गई, 1 2 3, ये 3 लिखा हुआ है। 5 में से 2 जा रही हैं, बचेंगी 3। यहाँ पर ये देखो बच्चों, 8 में से ये कितने जहाज हैं सारे, देखो एरोप्लेन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एरोप्लेन थे। यहाँ पर ये 2 चले गए दूर उड़ गए, तो यहाँ पर कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आपने घटाने का खेल खेलना है। ये देखो 8 हेलीकॉप्टर थे, 2 चले गए, ये देखो 2 कम हो गए ना यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लगाएंगे हम लाइन और 2 हम कम ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 बच गए, तो यहाँ पर ये 6 लिख देंगे। ये इस प्रकार से हेलीकॉप्टर अगर दिए हुए हैं एरोप्लेन, तो एरोप्लेन के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप गिनकर भी कर सकते हैं। गुब्बारे देखो आप कितने गुब्बारे हैं, इसके इसके पास कितने गुब्बारे थे, ये भी यही था, 1 2 3 4 5 6 थे, 6 में से एक गुब्बारा उड़ गया। ये पहले इसके पास 6 थे, ये गुब्बारा टूट गया, टूट कर ये उड़ गया हवा में, 6 घटा 1 बराबर है 5, कितने रह गए इसके पास, 1 2 3 4 5 बच गए। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ पर करेंगे हम, ये मेंढक खेल रहे हैं, ये 4 मेंढक थे, 1 2 3 4, और एक पानी में कूद गया, यानी कि 4 लिखना है, 4 आपने पानी में कूद गया, कम हो गया 1, तो बच गए आपके पास 3, 4 में से 1 घटा दिया, 3 बच गए। चलो हम अगला पेज करते हैं, पेज नंबर 70। नगमा ने 5 फूलों में से 2 फूल अपने भाई को दे दिए। देखो नगमा के पास कितने फूल थे, 5 थे ना, 1 2 3 4 5 फूल थे। अपने भाई को कितने दे दिए, एक ये अपने भाई को दे दिया, एक ये अपने भाई को दे दिया, तो कितने बच गए, 1 2 3, 3 बच गए, यानी कि 3 और 2 5, 3 को 2 में मिलाएंगे 5, और जब 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 बच गए, और जब 5 में से 3 को निकाल देंगे, बच्चों देखो 5 में से 2 निकाल दिया तो बच गए 3, और जब 5 में से 2 को निकाल देंगे, देखो सारे 5 फूल है ना, इस बार 2 निकाल दिए, तो नगमा के पास कितने बच गए, 3। इस प्रकार से भी आप गतिविधि कर सकते हैं। भोलू की शादी वाले दिन 6 जग में से 4 जग टूट गए। देखो ये टूट गए ना, कितने जग टूट गए, 1 2 3 4, 4 जग टूट गए, 6 जग थे 4 टूट गए, तो कितने बच गए, 2 बच गए ना। इसको इस प्रकार करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 जग थे, 1 टूट गया, 2 टूट गए, 3 टूट गया, 4 टूट गए, कितने टूट गए, 4, तो कितने बच गए हमारे पास, 2 बच गए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आप यहाँ पर सुंदर सुंदर 2 बनाएंगे। ये देखिए, माँ ने टोकरी में 5 आम रखे थे, ये देखो टोकरी में कितने आम थे, 5। रितु ने 5 में से 1 आम खा लिया, कितने आम खा गई रितु, 1, आप भी खाते होंगे ना आम, तो ये 5 आम थे कैसे, देखो यहाँ पर 5 आम बनाएंगे हम, इसमें चित्र बना सकते हैं आप, 1 ये 2 3, और ये सुंदर सुंदर चित्र आम का बना सकते हैं, बड़ा आसान है बनाना, इस प्रकार से आप आम का चित्र अपने कपड़े में बनाएं, और ये 1 तो रितु खा गई, ये खत्म हो गया, यहाँ पे कितने बच गए, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, तेज हवा चलने से टहनी के 9 पत्तों में से 4 पत्ते, 4 नीचे टूट गए ना, टहनी के ऊपर थे 9 पत्ते, इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 9 बिंदु लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा लिए, 4 खत्म कर दो, 1 2 3 4 खत्म कर दिए, तो 1 2 3 4 5 बच गए, ये बच गए 5, ऐसे करें। आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ पर ये खेल है बीजों का, ये गिलास के बाहर 3, गिलास के अंदर 4, तो सारे कितने बीज, सारे बीज 7, सारे 7 है ना, कुल 7 बीज है, 7 में से हम 3 घटा दिए, 4 बच गए, अगर 7 में से 4 घटाएं तो हमारे पास 3 बचेगा, और जब 3 को और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 आएगा। ये बड़ा ही रोमांचक खेल है, इसको आप यहाँ पर खेल सकते हैं। देखो गिलास से बाहर 1,
गिलास के अंदर कितने बचेंगे हिसाब लगाओ, गिलास के बाहर तो एक है तो 7.5 बीज है ना, तो यहाँ पर कितने गिलास के अंदर आएंगे आप देखो सोचो। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, ये एक तो बाहर ही पड़ा है तो गिलास के अंदर तो ये सारे है ना, 1 2 3 4 5 6 गिलास के अंदर, यहाँ पर 6 लिख दिया। ये बड़ा आसान गतिविधि है। यहाँ पर देखो इस गिलास के कुल 8 बीज है, यहाँ पर कुल कितने हैं 8 बीज, यहाँ पर पढ़ लेना आपने 8 लिखा हुआ है। तो गिलास के बाहर 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिख देंगे 6, तो बताओ गिलास के अंदर कितने हैं सोचो, 6 से आगे 8 है ना, 6 से आगे 7 और 8, तो यहाँ पर 2 गिलास के अंदर होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये खुद करना है आपने। इसी प्रकार से ये देखो हमारे पास कुल 9 बीज हैं, कितने बीज हैं 9, बताओ टॉपिक के नीचे तुम खुद बताना है, ये पेज आपने खुद करना है बच्चों। चलो अगला पेज हम करते हैं।